भगवान महावीर यूनिवर्सिटी द्वारा बीएमयू करियर एक्सपो 2023 6, 7 and 8 जुलाई रोज आयोजन कर आ एक्सपो अंदर कया कया स्टॉल आ एक्सपो शू विशेषताओ है आओ आप जाए भगवान महावीर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय जैन पास थी। नमस्कार, भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में पहली बार बीएमयू करियर एक्सपो 2023 का जो है वो कल से 6, 7, 8 वो है जो उसका आयोजन किया गया है कि कौन से टॉपिक्स और कौन क्या क्या चीज़ जो है वो इस करियर एक्सपो में रखी गई हैं। हमारे साथ जो प्रेसिडेंट है संजय जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या क्या कई कई कौन सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व की हैं पहली बार बीएमयू के द्वारा ये जो करियर एक्सपो रखा गया है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम को कवरेज देने के लिए और आज आप कैंपस में आए हैं। पहली बार ये हमने एक सिंगल विंडो पर करियर के सभी टॉपिक जो बच्चे की आवश्यकता रहती है वो सब इवेंट्स हमने इसमें 3 दिन में रखी हैं। यदि बच्चे को जॉब चाहिए तो उसके लिए जॉब फेयर रखी है, बच्चे को यदि किसी तरह का कोई काउंसलिंग चाहिए होती है, उसको आगे करियर में क्या सब्जेक्ट लेने या क्या उसकी रुचि है उसके लिए उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट हम यहाँ करेंगे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम सूरत के 9th से लेकर 12th तक के सभी बच्चों को हमने इनवाइट किया है। लगभग 15,000 से 20,000 बच्चे यहाँ पर 3 दिन में आएंगे और उनका हम काउंसलिंग करेंगे। ऐसे ही एजुकेशन और इंडस्ट्री में जो कैरिकुलम को लेकर या जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हैं और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है उसमें एक गैप देखने को मिलता है, उस विषय को लेकर भी हमने एक यहाँ पर एचआर मीट रखी है। इंडस्ट्रियलिस्ट प्रमोटर्स और एचआर पर्सन यहाँ पर आकर वो भी एक पूरा दिन का सेशन रहेगा, डिस्कशन रहेगा उसमें कि इंडस्ट्री के आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो एक अच्छी मैन पावर यूनिवर्सिटी में तैयार होकर इंडस्ट्री में जा सके। ऐसे ही बच्चों को मोटिवेशन दिलाने के लिए हमने तीनों दिन मोटिवेशनल स्पीकर बुलाए हैं, तीनों दिन अलग अलग। एक दिन किरण बेदी, फर्स्ट महिला आईपीएस, वो यहाँ आकर हम सबको मोटिवेट करने वाली हैं। एक दिन संजय रावल हैं, एक दिन बालाजी वेपर्स के मालिक चंदू भाई आने वाले हैं। तो ऐसा तीनों दिन मोटिवेशनल टॉक रहेंगी। ऐसे ही एसएमसी का एक महिलाओं की एक ब्रांच है सखी, उसके साथ मिलकर जो महिलाएं घर पर रहते हुए कुछ अपने रोज़गार करती हैं, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला रही हैं, उनकी भी हमने यहाँ एग्जीबिशन रखी है ताकि उन महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी में हम दे सकें, बता सकें बच्चों को कि ये किस तरह से छोटे छोटे काम में भी कितना कमा सकते हैं, कितना अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे ही जो बच्चे साइंस स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, स्कूल के साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लाइव प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन भी हमने रखी है। ऐसे ही जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमें जॉब सीकर नहीं चाहिए, जॉब गिवर्स बनाने चाहिए, तो ऐसे ही हम एक स्टार्टअप का भी कैंप यहाँ पर लगा रहे हैं। जो बच्चे कुछ स्टार्टअप लाना चाहते हैं, स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, वो अपना आइडिया पिच करें, वो सेशन हमारा रहेगा। उसमें अच्छे इन्वेस्टर भी हमने बुलाए हैं, ऐसे ही कुछ गाइड करने वाले लोग भी हमने बुलाए हैं। तो ऐसा स्टार्टअप का भी प्रोग्राम है। कई बार बच्चे विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, तो एक कैंप हमने विदेश पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो यानी एक साथ सभी तरह के इवेंट, जिस तरह का भी बच्चे का करियर की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ इस 3 दिन के करियर एक्सपो में देने वाले हैं। ये ओपन फॉर ऑल है, क्या क्राइटेरिया है, कौन से बच्चे इसके अंदर आ सकते हैं?
ये हमने ओपन फॉर ऑल है, जैसे करियर काउंसलिंग में 9 to 12 का है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम ये कर रहे हैं, तो ये सूरत के सभी स्कूल से बच्चे इसमें आ सकते हैं। ऐसी जॉब फेयर है तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उनके साथ हमारा टाई अप है, तो वो भी किसी भी यूनिवर्सिटी का कॉलेज का ग्रेजुएट इसमें जॉब लेने के लिए आ सकता है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ऐसे लगभग 2,500 स्टूडेंट और ऐसे 150 से 200 कंपनीज ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो सब हमारे बच्चे भी होंगे और बाहर से भी बच्चे आएंगे। तो जैसे बताया संजय जी ने कि किस तरह से भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के द्वारा पहली बार एक ही छत के इतने सारे जो फील्ड्स हैं, इतने सारे जो क्षेत्र हैं उनके अंडर में वन रूफ डेस्टिनेशन बोला जा सकता है, जिसके अंदर करियर गाइडेंस है, स्टार्टअप्स को लिए है, मोटिवेशनल स्पीकर्स है जिसके अंदर किरण बेदी है, संजय रावल है, बालाजी वेफर्स के ओनर जी चंदू भाई हैं उनके द्वारा जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, और ये ओपन फॉर ऑल है, सूरत के कोई भी बच्चे इसके अंदर आ सकते हैं, अपनी अपनी करियर गाइडेंस किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई करना है वो इस एक्सपो में आके ले सकते हैं।